जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। ये दौरा वैसे तो कारोबार का है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक तीर से कई सारे निशाने साधने में माहिर हैं। उनकी सऊदी अरब की ये यात्रा वो अरबी दांव है जिसे पाकिस्तान में ही इमरान खान के पांव उखड़ने लगे हैं। देखी है कहीं ऐसी दीवानगी किसी नेता के लिए? देखा है कहीं किसी प्रधानमंत्री के लिए मुस्लिम देशों का ये लगाव? मुस्लिम देशों में ही पाकिस्तान का इस कदर चारों खाने चित हो जाना। कूटनीति की एक भाषा ये भी है कि जहां मजहब के नाम पर पाकिस्तान मुस्लिम देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से उन देशों के रिश्तों को परंपरा और आधुनिकता की डोर से ऐसे बांधा कि सभी हिंदुस्तान के मुरीद हो गए। हिज मैजेस्टी द किंग और हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस के मार्गदर्शन में हम संबंधों में अप्रत्याशित प्रगति और अपनापन ला पाए हैं। मैं उनके प्रयासों के लिए, भारत के प्रति उनके अपनत्व के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुस्लिम देशों से भारत के रिश्तों की मजबूत बुनियाद की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रियाद में है। वहां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव यानी FII फोरम में उनको बोलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दोनों देशों के रिश्तों की नई मजबूती का सबूत है। हमारा सऊदी अरब से नाता हजारों वर्ष का रहा है। ऐसी दोस्ती रही है जैसे आप कहते हैं सदाखतकुम, कि एक दूसरे के वहां हमें अपनापन लगता है। हमारे ऐतिहासिक संबंधों और संपर्कों ने हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बुनियाद भी रखी है और आज हमने क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना करके अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब से भारत के रिश्तों को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां से पाकिस्तान का कद बहुत छोटा नजर आता है। लेकिन पहले मुस्लिम देशों से प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों की बात बता देते हैं जिसके कारण पाकिस्तान को आज कोई रत्ती भर नहीं पूछता। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया कि जम्मू और कश्मीर में वो अनुच्छेद 370 नहीं रहेगा जो उस राज्य को भारत के साथ बराबरी की जगह भेदभाव से जोड़ता है। इसके बाद पाकिस्तान ने दुनिया में क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या प्रलाप पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने नहीं किए। इमरान खान को लगता था कि वो कश्मीर की दुहाई देकर मुस्लिम देशों की सहानुभूति और साथ हासिल कर ले। लेकिन उसी घड़ी इमरान ने मुस्लिम देशों की तरफ एक नजर उठाकर नहीं देख लिया कि कैसे वहां प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार हो रही है। अपने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों से नवाज कर वो देश खुद को धन्य मान रहे हैं और पाकिस्तान उन्हीं देशों के बीच कौड़ी का तीन बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनोवेटिव फॉरेन पॉलिसी से भारत के मुस्लिम देशों के साथ बेहतर संबंध बने हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 वर्षों में मुस्लिम देशों से प्रधानमंत्री मोदी को 6 बड़े सम्मान हासिल हो चुके हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री को नवाजा है। बहरीन से उनको द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा मिल चुका है। फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का सम्मान पीएम मोदी को मिल चुका है। अफगानिस्तान भी अपना सर्वोच्च सम्मान आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड से पीएम मोदी को नवाज चुका है। सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला जीज शाश अवार्ड तो पहले ही प्रधानमंत्री के सम्मान में इजाफा कर चुका है और कुछ समय पहले ही मालदीव के रूल ऑफ निशान इजुद्दीनोन भी पीएम के सम्मान में शुमार हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। इक्का दुक्का मुस्लिम देशों को छोड़कर करीब करीब सभी मुस्लिम राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार और हिंदुस्तान से जुड़कर अपनी तरक्की का रास्ता ढूंढ रहे हैं। It is faith that inspires the everyday experiences of people in countries like India and Jordan, where different religious and ethnic groups have lived and worked together in amity throughout history. अब सऊदी अरब की यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम देशों से संबंधों की मजबूती को एक नया आधार दिया है।
रियाद में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। सऊदी अरब कभी पाकिस्तान का भरोसेमंद साथी देश माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सऊदी अरब से दोस्ती का ऐसा हाथ बढ़ाया कि पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सऊदी अरब ने न सिर्फ अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, बल्कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी का साथ भी दिया। आपको यकीन नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सम्मान बरसाने वाला सऊदी अरब कुछ समय पहले तक पाकिस्तान का दोस्त था। सऊदी अरब ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तानाशाह को सऊदी अरब ने इस लायक नहीं समझा कि उसको अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दे। वैसे तो भारत और सऊदी अरब के बीच दोस्ती की बुनियाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 के अपने सऊदी अरब दौरे में ही रख दी थी, लेकिन उस पर विश्वास और दोस्ती की खूबसूरत इमारत प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई जब वो पहली बार 2015 में सऊदी अरब पहुंचे थे। हमारा विकास विश्व में विश्वास पैदा करेगा, हमारी प्रगति परस्पर प्रेम बढ़ाएगी। विश्व कल्याण के इस सफर में भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मैं आपको पूरे विश्व के बिजनेस को आमंत्रित करता हूं। जैसे जैसे सऊदी अरब की आंखों में हिंदुस्तान का कद बढ़ता चला गया, पाकिस्तान सऊदी अरब की नजरों में त्यों त्यों उतरता चला गया। आज आलम यह है कि भारत और सऊदी अरब का सालाना कारोबार 40 अरब डॉलर का है, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यह कारोबार बस 7 अरब डॉलर का है। सऊदी अरब में काम करने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या करीब 26 लाख है, जबकि पाकिस्तानी इसके आधे भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब को कभी निराश नहीं किया, जब भी वहां से न्योता मिला एक सच्चे दोस्त की तरह दौड़े चले गए, लेकिन इमरान खान तो अपने घरेलू झगड़े में ही व्यस्त है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि रिश्तों की बुनियाद अगर आपसी विश्वास होता है तो साथ ही आर्थिक संबंध भी बहुत मायने रखते हैं। क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना करके अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है। हिज मैजेस्टी द किंग और हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस के मार्गदर्शन में हम संबंधों में अप्रत्याशित प्रगति और अपनापन ला पाए हैं। मैं उनके प्रयासों के लिए, भारत के प्रति उनके अपनत्व के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी को पता है कि उनके सऊदी अरब की यात्रा से 4 फायदे होंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध कायम रहेंगे, कूटनीतिक रूप से भारत के विश्व नेता के रूप में पहचान बढ़ेगी। दिसंबर में दोनों देश संयुक्त रूप से नौसैनिक युद्धाभ्यास करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस्लाम की रट लगाने के बावजूद मुस्लिम देशों में ही अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसा है कि वो अलग थलग तो हो ही गया है करीब करीब, इसका अभी उनके जाने के पहले भी, क्योंकि उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया और उनका समर्थन करता तो और भी मुस्लिम देश आ जाते, वो दो के अलावा टर्की और मलेशिया के अलावा। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक कि पाकिस्तान वाला है, पाकिस्तान का इसमें मामला है, वो तो अब पीछे पड़ गया। रियाद के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत के प्रधानमंत्री कीनोट स्पीकर बनकर आए हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि इतने बड़े मुस्लिम नेशन में पाकिस्तान कहाँ रह गया? इमरान खान को इनविटेशन मिला या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है जानना कि क्या पाकिस्तान एक मिनिस्टर तक नहीं भेज पाया इतने बड़े इन्वेस्टमेंट समिट में, जिस देश में पाकिस्तान आकर हमेशा फंड्स और एड्स मांगता है। कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और भारत के रिश्ते बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिस वजह से सऊदी अरेबिया को भारत की अहमियत की पहचान हो गई है और पाकिस्तान की अहमियत इस देश में कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। आलम यह है कि सऊदी अरब में रहने वाले हिंदुस्तानियों से भारत में 11 अरब डॉलर सालाना आता है ना फायदे की बात। रियाद में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाई
तो इसके खिलाफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी छाती पीटने लगे। दुनिया के हर देश के सामने इमरान खान रोना रोने लगे। मुस्लिम देशों के पास भी इमरान पहुंचे, लेकिन किसी ने भी इमरान खान की एक नहीं सुनी। कश्मीर पर तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन पीओके पर चर्चा जरूर तेज हो गई। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। दुनिया के मानचित्र पर जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। धरती की इस जन्नत को आतंक से मुक्त और नया कश्मीर बनाने के लिए जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया तो पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठने लगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो युद्ध की धमकी देने लगे। Supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. पाकिस्तान इस मुद्दे को मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी में भी ले गया, जिसमें दुनिया के 57 मुस्लिम बहुल देश हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों का दिल जीत लेगा, लेकिन पाकिस्तान खाली हाथ रह गया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका संयुक्त अरब अमीरात से मिला, जिसने कहा कि जम्मू और कश्मीर में बदलाव का फैसला भारत का अंदरूनी मामला है। संयुक्त अरब अमीरात भारत के पक्ष में आया तो सऊदी अरब और ईरान भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं गए। फलस्तीन और इंडोनेशिया भी भारत के पक्ष में खड़े हो गए। इसका बड़ा कारण भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था है, जो पाकिस्तान की तुलना में 9 गुना बड़ी है। सारे अरब और मुस्लिम देशों का भारत के साथ बेहतर कारोबारी रिश्ता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। सऊदी अरब और चीन से उसने 2-2 अरब डॉलर का इमरजेंसी कर्ज भी ले रखा है, और इसका असर यह हुआ कि अनुच्छेद 370 हटाने पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया में माहौल तो नहीं बना पाया, अलबत्ता पाकिस्तान में ही इमरान खान के खिलाफ माहौल जरूर बन गया। कश्मीर पर नेता बनने चले थे, पीओके भी हाथ से जाने वाला है। और मैं तो बार बार सुझाव दे चुका हूं पाकिस्तान को भी कि जो 65 और 71 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था, मैंने कहा 71 की गलती मत दोहराना, नहीं पीओके का क्या होगा अच्छी तरह समझ लें। पाकिस्तान ने अंदर से हार मान ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया भर के नेताओं की भीड़ जुटी तो किसी ने पाकिस्तान को तवज्जो नहीं दी। खुद पाकिस्तानी मंत्री के मुंह से ही सुन लीजिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुस्लिम देश ही खड़े नहीं हुए, बल्कि हाउडी मोदी करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े हो गए, और ट्रंप के सामने ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान की हकीकत बयां कर दी। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने समर नीति और कूटनीति दोनों से ही पाकिस्तान को पस्त कर रखा है। रियाद में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा था कि जिनसे अपना घर नहीं संभलता वो दूसरे के घर में दखल दे रहे हैं। आज इमरान खान की वास्तविकता सबके सामने आ गई है। कहां तो कश्मीर इमरान चिल्ला रहे थे, और कहां विरोध का एक लॉन्ग मार्च उनके दरवाजे पर खड़ा है। अपने खिलाफ मार्च की शक्ल में लोगों के गुस्से को देखकर इमरान खान भूल गए कि कुछ दिनों पहले तक वो कश्मीर चिल्लाते थे। कश्मीर पर मुंह की खाने के बाद इमरान खान की सरकार भी औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। सुन्नी कट्टरपंथी दल जमियत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने जिस आजादी मार्च का ऐलान किया है वो 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इमरान के घर पर पहुंचेगा, लेकिन उसने अभी से इमरान की नींद उड़ा रखी है। इमरान ने फजलुर रहमान के सामने बहुत हाथ पांव जोड़े, लेकिन बात बनी नहीं। काश हिंदुस्तान से लड़ने की जगह पाकिस्तान को कट्टरपंथ, आतंकवाद और गरीबी से निकालने का प्रयास उन्होंने किया होता। आज तक ब्यूरो विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।
लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।